आज सुबह गलती से पंखे का बटन क्या दब गया, पूरा परिवार यूं देखने लगा जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। इतिहास गवाह है, ये बात आज तक किसी लड़की ने नहीं कही है। तुम काट दो फोन, मैं लगाती हूँ। ये तो शुक्र मनाओ कि फेसबुक पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती, नहीं तो एक दूसरे से यही बात पूछते, अरे भाई तेरे वाली क्या एवरेज दे रही है और आगे से रिप्ले आता है कि नहीं, भाई मेरे वाली तो सर्विस मांग रही है। सी चलो भाग के शादी करते हैं, ही इतने ठंड में रजाई से पैर नहीं निकालूं, तू घर से भागने की बात कर रही है। नई नवेली बहू से सास, देखना पकौड़ी एक एक करके ही तलना वरना कोई कच्ची पक्की रह जाएगी, और भिंडी एक करके धोना और फिर टेबल पे पोंछ कर एक एक करके काटना, और धनिया की एक पत्ती तोड़ कर धोना। बहू दो चार दिन परेशान रही, फिर पांचवे दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो तब तक मैं नहा कर आती हूँ। चार घंटे तक बाथरूम में जब बहू नहीं निकली तो सास तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा है। बहू माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो, नहले पे दहला। इंजॉय द विंटर, सुबह सुबह आकर सोए हुए को जगाने के लिए उसकी रजाई खींच लेने में महापाप की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस समय कोई सुबह सुबह किसी पर ठंडा पानी डाल दे तो वह घटना भी आतंकवादी हमले के अंतर्गत मानी जाएगी। किसी की रजाई खींचना विद्रोह के बराबर माना जाएगा और रजाई में घुसकर ठंडे पैर लगाना छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा। किसी को रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ देखकर अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि लड़का सुसाइड कर रहा है या प्रोफाइल पिक के लिए पोज दे रहा है। एक मित्र का 7 दिन में स्टेटस ड्राइविंग, मेरे ख्याल से अब तक पाकिस्तान तो पहुंच ही गया होगा। दूसरा एक मित्र का स्टेटस अर्जेंट कॉल ओनली, मुझे लगता है वो पुलिस एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड में काम करता होगा। तीसरा एक मित्र का 6 महीने में स्टेटस स्लीपिंग, मुझे शक है ये नंबर कुंभकर्ण का तो नहीं। चौथा एक मित्र का लंबे अरसे तक स्टेटस है हैप्पी, लगता है ये बंदा जन्नत में सेटल हो गया है। पांचवा एक मित्र का हमेशा स्टेटस होता है अवेलेबल, कितना निठल्ला है भाई, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। छठा कई मित्रों के स्टेटस है देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सअप, अम्मा मियाँ व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तभी तो मेरी व्हाट्सअप लिस्ट में हो। सतवां और सबसे विचित्र कैन नॉट टॉक मी व्हाट्सअप ओनली, ऐसे दोस्तों के लिए एक छोटी सी कहानी। एक लड़का लड़की को पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, फिर उनकी शादी हो गई, आखिर वो रात आ गई जिसका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमी तलते हैं। हो गया, कैन नॉट टॉक मी व्हाट्सएप ओनली, अब जा दम्मू तली। रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही लेकिन मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कभी भी जाओ साथ चल देती थी, जहां रुकू मेरे लिए रुक जाती थी। वो कोई मुझे प्यार करे ना करे पर वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बड़ी मेहनत से आया था उसे, बहुत चक्कर लगाया था उसे पाने के लिए, हजारों की भीड़ से ढूंढा था अपने लिए, घर वालों की नाराजगी झेलकर अपनाया था, वो जो हमेशा मेरे साथ रहती थी पर आज मुझे छोड़कर चली गई, मेरी चप्पल थी कोई साला चुरा के ले गया। एक चीता सिगरेट का कस लगाने ही वाला था कि अचानक चूहा वहाँ आया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता चूहे के साथ चल दिया।
आगे हाथी कोकिन ले रहा था। चूहा फिर बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी भी साथ चल दिया। आगे शेर विस्की पीने की तैयारी कर रहा था। चूहा ने उसे भी वही कस कहा। शेर ने गिलास साइड पर रखा और चूहे को 5-6 थप्पड़ दे मारा। हाथी बोला, अरे क्यों मार रहे हो इसे, इस बेचारे को। शेर बोला, ये साला रोज अफीम पी के ऐसे ही सबको पूरी रात जंगल घुमाता है। एक कंजूस व्यक्ति के घर 10 मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान हो गया, ये लोग तो पूरे महीने का राशन खा लेंगे, एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक कटोरी रखना और ज़रा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। अब खाना लग गया, सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगा। जैसे ही पहले तय था कि एक कटोरी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई, जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी, और लीजिए ना। कंजूस, नहीं नहीं बहुत मज़ा आ गया आज तो खाने में, पेट भर गया, अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो और खाना खाएगा। एक बार इंजीनियर के सभी प्रोफेसरों को एक विमान में बैठाया गया, साथ ही उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बैठाया गया और उद्घोषणा की गई, यह विमान आपके छात्रों ने बनाया है। इतना सुनकर ही सभी प्रोफेसर उतरकर भाग गए, पर प्रिंसिपल नहीं भागा। लोगों ने पूछा, सर आपको डर नहीं लग रहा है? प्रिंसिपल, मुझे अपने छात्र पर पूरा भरोसा है, विमान स्टार्ट ही नहीं होगा। चौथी क्लास का एक लड़का गुलाब लेकर एक 8वीं क्लास की लड़की के पास गया। लड़का गुलाब देते हुए, आई लव यू। लड़की, पागल मैं तुमसे बड़ी हूँ। लड़का, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। लड़की गुलाब फेंककर, चल हट भाग यहाँ से। लड़का, दीदी सेट हो जाओ ना प्लीज। अलग अलग लड़कों को गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से इस प्रकार लड़ रही थी। पायलट की गर्लफ्रेंड, ज़्यादा उड़ मत समझा। टीचर की गर्लफ्रेंड, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। डेंटिस्ट की गर्लफ्रेंड, तुम्हारा जबरा तोड़ दूंगी। सीए की गर्लफ्रेंड, तुम जरा हिसाब में रहना सीख लो। पत्रकार की गर्लफ्रेंड, पहले नौकरी तो ढूंढ ले फिर बात करना। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी की सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। शिक्षक, मॉर्निंग किसे कहते हैं? छात्र, जब लगातार मारते हैं उसे मॉर्निंग कहते हैं। मरीज डॉक्टर से, हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवा दीजिए। डॉक्टर, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस भी ना भूल जाओ। किरायेदार, भाई साहब आपने मुझे कैसा मकान किराए पे दिया है? मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। मालिक, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़े की रेस देखना चाहते हो? स्वर्ग वाले, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। नर्क वाले, ठीक है हम भी देखते हैं तुम किसके सहारे मुकदमा करोगे। स्वर्ग वाले वकीलों को लाएंगे, नर्क वाले, लेकिन वकील तो सारे हमारे ही हैं। पागल खाना, अस्पताल में एक लड़की से पूछा गया, बेटी तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? लड़की, उसने कहा 9 o'clock। चोर, हजूर मुझे रिहा कर दीजिए। जज, क्यों, क्या तुम हमारी पहली चोरी है? चोर, जी नहीं, मैं तो अक्सर चोरी करता हूँ और हमेशा जेल आता रहता हूँ, परंतु यह मेरे वकील का पहला मुकदमा है। ग्राहक, जनाब आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी ने दांत नकली लगाए थे। पिताजी, संजय क्यों रो रहा है? संजय, गुरुजी ने मारा। पिताजी, तूने क्लास में गड़बड़ की होगी। संजय, नहीं मैं तो क्लास में चुपचाप सो रहा था। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुई पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों कर रही हो? संगीता, दरअसल लड़का वकील है,
जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। एक निहायत काले आदमी ने एक काला सूट सिलवाया। जब उसने पहली बार वो सूट पहना तो अपने दोस्तों से पूछा, कैसा लग रहा हूँ मैं मेरा नया सूट में? लग तो बढ़िया रहा है, दोस्त बोला, लेकिन यार ये पता नहीं चलता कि सूट कहाँ ख़त्म हो रहा है और तू कहाँ शुरू हो रहा है। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों क्या हुआ? गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी? गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। शिक्षक, बच्चों तुम आपस में एकता के साथ मिलकर रहा करो, हर काम में मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र, मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? चिंटू ने अपने मित्र से कहा, मेरे पापा सभी कुत्तों को जंगल में छोड़ आए मिंटू, लेकिन किस लिए? चिंटू, कुत्ते घर की मुर्गियों को खा जाते थे। मिंटू, लेकिन अब सारी मुर्गियां तुम्हारे पापा को खानी पड़ेगी। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। अध्यापक, श्याम तुम्हें यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं? श्याम, होते हैं सर, पर उससे ज़्यादा यह सोचकर होता है कि बच्चे अंडे के अंदर कैसे घुसते हैं। दांत का डॉक्टर, यह हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो, अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। मरीज, छुआ तो नहीं है पर आप मेरे पैर की उंगली पर खड़े हैं। एक भिखारी बैंक में चला आ रहा था। बैंक चौकीदार ने उससे कहा, जा बाबा तुझे यहाँ क्या मिलेगा? भिखारी, बेटा मैं मांगने नहीं 5,000 रुपया जमा करने आया हूँ। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते हो गए, इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। प्रेमी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए? प्रेमिका, खुश होकर हीरो का हार। प्रेमी, अच्छा यह लो धागा, हीरा फिर अगली बार ला दूंगा। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन ही हुए हैं और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। मकान मालिक, पिछले साल भी तुमने किराए नहीं दिए, यदि आज भी तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ़ कर दूंगा। किराएदार, यह तो नाइंसाफी है, ऐसा करे आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाओ। माँ, तुम कहते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं जबकि राजनीतिक उथल फुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारे प्रैक्टिकल है, मैं राजनीति शास्त्र का छात्र जो हूँ। पिता ने लड़के से क्रोध में आके पूछा, तुमने गधा देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता, और उल्लू देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता ने कहा, तुम्हारी शकल दोनों की तरह है। पुत्र, पर माता जी तो कहती है मेरी शकल ठीक आपके जैसी है। पिता ने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा सबसे अधिक अंडे कौन देता है? पुत्र ने झट से कहा, बोला मेरे गणित के अध्यापक, मेरी कॉपी पे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ।
अध्यापक, राकेश सुना है तुम्हारे घर में नया बेबी आया है। राकेश जी, नया क्यों कहते हो आप? जब रोता है तो ऐसा लगता है कि बरसों से रोना सीख कर आया है। पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? माँ, बेटा मैं और तुम्हारे पिताजी बंद कमरे में लड़ते हैं तो रेडियो, और लड़ते लड़ते कमरे के बाहर आ जाते हैं तो समझो टीवी। पुत्र ने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं आगे नदी में नहाऊंगा। पिता ने कहा, नहीं डूब जाओगे। पुत्र, नहीं मुझे तैरना आता है। पिता, ठीक है अगर डूब गए तो घर जाकर तेरी खूब मरम्मत करूंगा। अध्यापक ने एक लड़के से कहा, क्यों लड़के तुम मेरी कक्षा में बातें कर रहे हो? छात्र ने जवाब दिया, नहीं सर मैं सोते वक्त किसी से बातें करना पसंद नहीं करता। टीचर ने क्लास में लड़के की कॉपी चेक करते हुए उससे कहा, मुझे हैरानी है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कैसे कर लेते हो? लड़के ने खड़े होकर कहा, ये सारी गलतियां मैंने अकेले नहीं की है सर, मेरे पापा ने इसमें मेरी सहायता की है। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा कोयला नहीं है रोटी कैसे बनेगी? बेटे ने कहा, माँ आज चावल बना लेना। शिक्षा अधिकारी छात्र से, राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? छात्र, सर मुझे नहीं मालूम मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से पूछा, जरा आप ही बताइए। अध्यापक जी हमें भी नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल साहब से आप ही बताइए। प्रिंसिपल, श्रीमान क्यों बात को बढ़ाते हो? किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, आप हमसे उसके पैसे ले लीजिए। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ अपने दो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।